Assalamualaikum kids, how are you all? I hope you all are fine at your homes. I'm also fine. Today I'm here with something really exciting for you. So take out your prayer two phonics book and open page number 31. Now look over here kids, we have a page and over here we have some puzzles. But first of all, read the icons with me. This is read and make. So what we are going to do, we are going to read something on this page and then make something on this page. And हमने यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर कुछ puzzles नज़र आ रहे हैं ना, ये एक puzzle game है हमारे पास और हमने इन puzzles को, जारी सी बात है, हमने इन puzzles को join करना है. We are going to join the puzzles और फिर हमें एक नई चीज़ मिलेगी. और जो है ना यहाँ पर सारे जो है ना हमें एडवर्ड्स का पज़ल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एडवर्ड्स का गेम दिया हुआ है, ठीक है. आप गौर करें ना, हर पज़ल में आपको एड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एडवर्ड्स का एक गेम होने वाला है. और जैसे ना अब देखें, हमने इनकी ये पज़ल्स हम जुड़ जाएंगे, इनकी फ्रेंडशिप हम करवा देंगे ना, तो हमारे भी जब न्यू फ्रेंड्स आते हैं तो हमारा भी एक नया ग्रुप बन जाता है ना ज्वाइन होके, तो इनका भी एक नया ग्रुप ऑफ लेटर्स बन जाएगा, बहुत अच्छा सा वर्ड निकल आएगा. तो देखते हैं यहाँ पे क्या वर्ड्स बन रहे हैं. फर्स्ट वन इज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब एंड नाउ वी हैव इड. तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब एंड इड. सो व्हेन वी ज्वाइन दीज टू पजल्स, हम जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इट विल फॉर्म अ न्यू वर्ड विच इज बिड. You can see over here, here is bed. यहाँ पर bed लिखा भी हुआ है हमारे पास. Wow! So, b, it, bed. Very nice. Now, हम देखते हैं अपना next word, which is over here. और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, d and it. हमारे पास d और it दिया हुआ है. So now let's join them together. अब हम इनको join करके देखते हैं कि क्या बनता है. The, it, did. Now we have a word, did. और देखें, did की picture भी बनी हुई है सामने, तो हमें तो बहुत मज़ा आएगा ये काम करने में, है ना. अब आते हैं हम अपने next word पे. Next puzzle हमें कौन सा बनाना है. Here we have and id. Again id. So, अब हमने इट की फ्रेंडशिप से करवानी है. कैसे करवाएंगे, इट हिट. क्या बन गया हमारे पास, लेट द वर्ड इज हिट एंड यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ हिट. ओके, नाउ यू हैव गॉट व्हाट इज हिट. आपको हिट भी समझ में आ गया. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पजल पर. लेट्स सी अब क्या है हमारे पास. वी हैव ख ओवर हियर विथ इट. So when we will join k and id, it will form kid. K id kid. और आपको picture भी नज़र आ रही है सामने kid की. So look at the pictures also. Sorry. Now move on to the next picture. क्या puzzle दिया हुआ हमें यहाँ पर, l and id. So l It lit. Now हमें नया वर्ड मिल गया दोबारा से, वो क्या है, lit. L it lit. Very nice. और as usual आपके पास lit की picture भी बनी हुई है, so आपको ये करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा. अब last वाला भी देख लेते हैं क्या है. अब हमारे पास क्या puzzle है, it rid. We have the word rid over here. अब हमने ir और it को join कर दिया इस puzzle game में, तो हमारे पास क्या आ गया, rid. And we also have the picture of rid. तो हमने अच्छे से it words पढ़ लिए हैं मेरा ख्याल है, और मुझे बहुत अच्छा मज़ा आया आपको बताने में. I hope आपको भी बहुत मज़ा आया हुआ इस puzzle game में. So ये puzzle game अच्छे से हो गया, और अब चाहें तो इन pictures पे अच्छे से colors भी कर सकते हैं. तो this page is done. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, विच इज पेज नंबर 32. नाउ वी हैव अ न्यू पेज, और यहाँ पर भी हमें एज यूजुअल कुछ आइकन्स दिए हुए हैं. लेट्स रीड द आइकन्स फर्स्ट. दिस इज
read and trace and then write the date in the date section. अब हमने डेट मेंशन कर देनी है जिस दिन हम काम कर रहे होंगे. अब आते हैं हम अपने काम की तरफ. यहाँ पर हमें वही सेम वर्ड्स दिए हुए हैं मगर काम थोड़ा इंटरेस्टिंग नया काम दिया हुआ है हमें. अब हमें ट्रेसिंग के लिए भी दिया हुआ है तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या ट्रेस करना है. पहला वर्ड क्या है? बिट. वी हैव बिट ओवर हेयर. और नीचे जो है हमें डॉट डॉट डॉटिकल लाइन्स में डॉटेड में हमें लेटर दिया हुआ है सेम. तो हम क्या करेंगे? एज यूजल जब भी हमें ट्रेसिंग के लिए दिया होता है विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉलो द एरोस और उसके बाद हम इसको अच्छे से नीटली ट्रेस कर देंगे. ठीक है, नीट काम करना है आपने. तो यहाँ पर क्या बन गया भाई? बिट. चलिए हम बाकी भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. दिस इज डिड हिड किड लिड एंड रेड. तो और इनकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं तो अच्छे से आप ट्रेस कर लीजिएगा इसको नीटली. ठीक है, तो हमने तो अच्छे से आज एडवर्ड समझ लिए भाई, हमें तो अच्छे से याद भी हो गया. और अब जो है हमने क्या करना है, अब हम चाहें तो इन पिक्चर्स पे कलर्स कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट. सो दिस वर्क इज डन ओवर हेयर. अब आप क्या करेंगे? यू विल गो टू योर मामा और एनी एल्डर शो देम योर नीट एंड क्लीन वर्क एंड देन क्लोज दिस बुक put it in your bags. That's it for today. I hope you enjoyed it. Till then, take care. See you in the next class. Allah Hafiz.